हेलो गाइस, आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं मेरिडियन और बियरिंग के बारे में। अक्सर हमने इस चैप्टर में बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं, उसमें अक्सर यूज़ किया गया है ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग। तो आखिर क्या है ये मैग्नेटिक मेरिडियन एंड बियरिंग्स? तो देखिए, मेरिडियन का मतलब है यहाँ पर एक डायरेक्शन से, एक फिक्स दिशा, जिसको रेफरेंस मानकर हम किसी भी एक सर्वे लाइन की बियरिंग या उसका झुकाव हम ज्ञात करते हैं। तो आप मेरिडियन का मतलब क्या समझे कि मेरिडियन इज ए फिक्स डायरेक्शन, एक फिक्स दिशा है जिसको आधार मानकर किसी भी सर्वे लाइन की हम क्या करते हैं, उसका झुकाव या उसकी बियरिंग को पता करते हैं। तो लिख देता हूं मैं यहां पर, ये मेरिडियन क्या है, मेरिडियन एक फिक्स्ड डायरेक्शन है, फिक्स डायरेक्शन है जिसके रेफरेंस से किसी सर्वे लाइन की बियरिंग मेजर की जाती है, बियरिंग मेजर की जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मेरिडियन किसे कहते हैं, फिक्स डायरेक्शन को कहते हैं, जिसके आधार पर हम कोई भी किसी भी सर्वे लाइन की बियरिंग को मेजर कर सकते हैं। तो कितने टाइप्स के होते हैं हमारे मेरिडियन, उस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा है ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन किसे कहते हैं, पृथ्वी को काटने वाला एक ऐसा काल्पनिक समतल, यानी कि एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन लेना है जो पृथ्वी को वहाँ से काटे जहाँ उसका एक्चुअल नॉर्थ और एक्चुअल साउथ हो। उस टाइम जो वो डायरेक्शन प्रदर्शित कर रहा होगा, जिसकी उसकी इमेजिनरी प्लेन की जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो रही होगी, वही डायरेक्शन हमारी क्या कहलाती है, ट्रू मेरिडियन कहलाती है। तो मैं आपको एक बार लगातार बताता हूँ कैसे। किसी भी पृथ्वी को काटने वाला एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो पृथ्वी के एक्चुअल नॉर्थ और एक्चुअल साउथ से होता हुआ पास होता है, तो जो डायरेक्शन वो प्रदर्शित करता है उसे हम ट्रू मेरिडियन के नाम से जानते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ट्रू मेरिडियन, क्यों उसे ट्रू मेरिडियन कहते हैं। जैसे मैं डायग्राम में बताऊँ, सपोज करिए हमारी कोई अर्थ है और इस अर्थ में, इस अर्थ का डायग्राम मैंने यहाँ पर कोई बना रखा है, और इस अर्थ का एक्चुअल नॉर्थ एक्चुअल साउथ, तो पृथ्वी को काटने वाला ये ऐसा काल्पनिक समतल, ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो उसके एक्चुअल नॉर्थ और एक्चुअल साउथ से होता हुआ जाता है, उसे हम कहते हैं ट्रू मेरिडियन। अब ट्रू मेरिडियन से रिलेटेड कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं जो हमें याद करना जरूरी भी है। तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पूछा जाता है कि क्या ट्रू मेरिडियन वेरिएबल है, क्या वो बदल जाता है? नहीं। देखिए, ट्रू मेरिडियन को हम कैसे पता करते हैं, बाई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम उन्हें पता करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं कि ट्रू मेरिडियन को, पहला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रू मेरिडियन को एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के आधार पर ज्ञात किया जाता है। दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रू मेरिडियन समय के साथ नहीं बदलता है, यानी हमारा क्या है, टाइम के साथ इनवेरिएबल है, समय के साथ नहीं बदलता है, यानी टाइम कितना भी स्पेंड हो जाए लेकिन हमारा ट्रू मेरिडियन वहीं रहेगा। तीसरा हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्या बताया मैंने पॉइंट, कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के आधार पर ये पता किया था, जो कि काफ़ी कठिन है, इसलिए इसको हम फील्ड में नहीं पता करते। हम जो भी सर्वे करते हैं वो मैग्नेटिक मेरिडियन के आधार पर करते हैं, क्योंकि फील्ड में ट्रू मेरिडियन का पता लगाना काफ़ी टीडियस है, काफ़ी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। अब हमने पहला पॉइंट पढ़ा, दूसरा पॉइंट क्या है कि ट्रू मेरिडियन समय के साथ हमारा चेंज नहीं होता है, ये समय के साथ कैसा है, इनवेरिएबल है। तीसरा हम बात करें कि ट्रू मेरिडियन सभी स्थान पर पैरेलल नहीं होता, यानी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होता है, लेकिन ध्रुवों की ओर, यानी पोल्स की ओर, ध्रुवों की ओर यह झुका हुआ प्रतीत होता है, प्रतीत होता है।
यानी अब आप क्या समझे कि हमारा जो ट्रू मेरिडियन होगा वो सभी जगह पर कैसा होगा, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगा, लेकिन हमारा पोल्स की तरफ कैसा होगा, हमें इंक्लाइंड थोड़ा झुका हुआ नज़र आता है। तो ये हमारा था ट्रू मेरिडियन की अगर हम बात करें। अब बात करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन की। तो देखिए, एक चुंबकीय सुई लें और चुंबकीय सुई के मैग्नेटिक निडल लें और उसको आप स्वतंत्रतापूर्वक लटका दें। तो चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने के बाद जो वह दिशा प्रदर्शित करती है उसे हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। ओवरऑल हम एक तो बात हर बार कह ही रहे हैं कि दिशा, क्यों? क्योंकि मेरिडियन क्या है, एक फिक्स्ड डायरेक्शन है। तो चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर जब वो नॉर्थ साउथ दिशा में रुकती है तो वही डायरेक्शन जो प्रदर्शित कर रही होती है उसी दिशा को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि चुंबकीय सुई लोकल अट्रैक्शन से हमारी अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि स्थानीय आकर्षण से वह प्रभावित नहीं होनी चाहिए। स्थानीय आकर्षण का मतलब ये होता है कि हमारे आसपास कोई भी ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी प्राकृतिक हो या हमारी आर्टिफिशियल हो, यानी हमारी नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो, कोई भी ऐसी लोहे की वस्तु नहीं हमारे पास होनी चाहिए जो उस मैग्नेटिक निडल को अपनी ओर खींच सके, आकर्षित कर दे। अगर ऐसा होगा तो फिर वो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन फिक्स नहीं बताएगी उस स्थान पर। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, किसी भी स्थान पर स्वतंत्र चुंबकीय किसी भी स्थान पर स्थानीय आकर्षण से मुक्त चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर जो दिशा प्रदर्शित करती है उसे हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। देखिए, अब पिछले एक लेक्चर में एक मैंने वहाँ पर एक पॉइंट बोला था कि जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जियोग्राफिकल पोल्स के रेस्पेक्ट में कंसिस्टेंटली चेंज होते रहते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर मैग्नेटिक पोल्स ही जियोग्राफिकल पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में कंसिस्टेंटली चेंज होते रहेंगे तो ज़रूर हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन भी चेंज होता रहेगा टाइम के साथ। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट निकालते हैं। देखिए कौन कौन सा रिजल्ट हम निकाल पाए, ये आपने जो भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इनको साथ के साथ आप नोट्स बनाते हुए चलें, आप लिख लें। अब मैं लिखता हूँ मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, चुंबकीय, आपको पहला पॉइंट क्या नोट करना है कि चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर जो वो दिशा प्रदर्शित करती है उसे मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं, लेकिन उस चुंबकीय सुई पर लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि जब हमारे मैग्नेटिक पोल्स, आप ढंग से इसको आप याद करेंगे इस पॉइंट को, मैग्नेटिक पोल्स हमेशा जियोग्राफिकल पोल्स के रेस्पेक्ट में कंसिस्टेंटली चेंज होते रहते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा, जब मैग्नेटिक पोल्स ही चेंज हो जाते हैं तो फिर हमारे मैग्नेटिक मेरिडियन भी चेंज होगा कंसिस्टेंटली। तो यहाँ ये लिखेंगे नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट हमारा ये होगा कि मैग्नेटिक जो हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन है वो भी हमारा कैसा होता है, टाइम के साथ में चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक पोल ही जियोग्राफिकल पोल के रेस्पेक्ट में कंसिस्टेंटली चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, हमारा टाइम के साथ में वेरिएबल होता है, वो चेंज होता जाता है। अब आगे बात करते हैं, आप देख रहे हैं ग्रिड मेरिडियन। तो देखिए ग्रिड मेरिडियन क्या है, किसी भी एरिया का हमारा एक सेंट्रल पोर्शन हो और उस सेंट्रल पोर्शन से अगर हमारा ट्रू मेरिडियन पास होता है तो उस मेरिडियन को हम क्या कहते हैं, ग्रिड मेरिडियन कहते हैं। अब आप एक बार में ये सुने, किसी भी देश के सेंट्रल एरिया से पास होने वाला ट्रू मेरिडियन ही हमारा क्या कहलाता है, ग्रिड मेरिडियन कहलाता है। अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आर्बिट्रेरी मेरिडियन। तो देखिए आर्बिट्रेरी मेरिडियन क्या है, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार, हम फील्ड में सर्वे करने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी मेरिडियन मान लें। तो आर्बिट्रेरी मेरिडियन अपनी इच्छा के अनुसार माना गया मेरिडियन होता है। हमने जनरली मान लिया कि इधर नॉर्थ साउथ है तो हमने बोल दिया कि ये नॉर्थ साउथ है, तो हमने मान लिया, वो क्या है, हमारा अपनी इच्छा के अनुसार माना हुआ, तो इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, देखिए आर्बिट्रेरी मेरिडियन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर हम सर्वे कर रहे हैं बहुत ही बड़े पैमाने पर तो उस टाइम हमें किस मेरिडियन की आवश्यकता होगी, ट्रू मेरिडियन की। और जनरली अगर हम सर्वे फील्ड में हम कर रहे हैं तो हमें किस मेरिडियन की आवश्यकता होगी, मैग्नेटिक मेरिडियन की। तो ये हमारी क्लास थी मेरिडियन के बारे में। अब आप ओवरऑल यही समझें मेरिडियन क्या है, मेरिडियन इज ए फिक्स डायरेक्शन। चलिए आगे हम बात करते हैं बियरिंग्स के बारे में। बियरिंग क्या है, तो बियरिंग क्या है हमारा, बियरिंग का मतलब होता है द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन द रेफरेंस मेरिडियन टू सर्वे लाइन।
इज नोन एज बियरिंग। इसका मतलब ये है किसी भी फिक्स यामोत्तर यानी फिक्स डायरेक्शन से, चाहे वो ट्रू मेरिडियन हो, चाहे वो मैग्नेटिक मेरिडियन हो, चाहे वो ग्रिड मेरिडियन हो, चाहे वो आर्बिट्रेरी मेरिडियन हो, यानी किसी भी मेरिडियन से किसी भी सर्वे लाइन का जो झुकाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, हम बियरिंग कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब झुकाव बिटवीन किस किस के बीच में, मेरिडियन मेरिडियन एंड सर्वे लाइन, सर्वे लाइन। एक शब्द हमने बहुत ही कम शब्दों में से पढ़ लिया कि हमारा मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच का हॉरिजेंटल एंगल कह लें या फिर ये कह लें झुकाव क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है बियरिंग। क्या कहलाएगा वो, बियरिंग। और ये बियरिंग हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकती है एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकती है। अब बात करते हैं बियरिंग हमारी कितने प्रकार की होती है। तो देखिए सबसे पहली है ट्रू बियरिंग। सीधी सी बात है, हमारी बियरिंग है ही क्या, एक तो मेरिडियन लेना है और एक सर्वे लाइन लेनी है। तो अब हम क्या कहेंगे ट्रू मेरिडियन से, हम क्या कहेंगे इसको, ये हमारी कोई ट्रू मेरिडियन है, ट्रू मेरिडियन का नॉर्थ, ये हमारा ट्रू मेरिडियन प्रदर्शित कर रखा है हमने। किसी भी सर्वे लाइन का, कोई हमारी सर्वे लाइन है ये ए बी, तो किसी भी सर्वे लाइन का ट्रू मेरिडियन से झुकाव ही क्या कहलाता है, ट्रू बियरिंग कहलाता है। यानी हॉरिजेंटल एंगल या इंक्लिनेशन बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड सर्वे लाइन इज नोन एज ट्रू बियरिंग। यानी किसी भी रेखा का, हमारी कोई भी सर्वे लाइन और उसका सत्य यमोत्तर के बीच का एंगल हमारा क्या कहलाता है, ट्रू बियरिंग कहलाता है। बिल्कुल सेम वे में अगर हम बात करें आगे हमारा मैग्नेटिक बियरिंग, तो अब मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगी हमारी, उसके लिए हमें एक मेरिडियन चाहिए। तो मैग्नेटिक बियरिंग के लिए कौन सा हम लेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन लेंगे। तो ये हमारा आएगा मैग्नेटिक मेरिडियन, ये हमारा नॉर्थ। तो देखिए किसी भी मैग्नेटिक मेरिडियन से किसी भी सर्वे लाइन के बीच का हमारा हॉरिजेंटल ये एंगल, जो भी कह लें आप अल्फा बीटा, वो हमारा एंगल क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ सर्वे लाइन। तो किसी भी सर्वे लाइन का मैग्नेटिक मेरिडियन से इंक्लिनेशन या झुकाव या हॉरिजेंटल एंगल हमारा क्या कहलाता है, मैग्नेटिक बियरिंग कहलाता है। आगे बात करते हैं सेम ग्रिड मेरिडियन से। तो देखिए हमारा कोई ये सपोज करिए आप ग्रिड मेरिडियन है, ये नॉर्थ, ये ग्रिड मेरिडियन से किसी भी सर्वे लाइन का झुकाव क्या कहलाता है हमारा, ये ए बी, ये डेल्टा, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ग्रिड बियरिंग। तो किसी भी ग्रिड मेरिडियन से किसी सर्वे लाइन का हॉरिजेंटल एंगल हमारा क्या कहलाता है, ग्रिड बियरिंग कहलाता है। और आर्बिट्रेरी बियरिंग की बात करें तो अपनी इच्छा से माना हुआ मेरिडियन, ये हमारा आर्बिट्रेरी मेरिडियन है ए एम और ये नॉर्थ, कोई भी सर्वे लाइन है ये ए बी और इसमें हमारा एंगल ये साई है, तो ये हमारा एंगल क्या कहलाएगा, आर्बिट्रेरी बियरिंग कहलाएगा। अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा के अनुसार माने गए मेरिडियन से किसी सर्वे लाइन का एंगल हमारा क्या कहलाता है, हमारा आर्बिट्रेरी बियरिंग कहलाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं, क्या हमारी ट्रू बियरिंग टाइम के साथ चेंज होगी, नहीं। देखिए जब ट्रू मेरिडियन ही नहीं चेंज होता है टाइम के साथ तो फिर ट्रू बियरिंग क्यों चेंज होगी। तो नोट नंबर वन आपको ये लिखना है कि ट्रू बियरिंग का मान कभी भी समय के साथ चेंज नहीं होता है, लेकिन हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन समय के साथ चेंज हो रहा था, तो जब मैग्नेटिक मेरिडियन ही चेंज हो जाएगा तो फिर उसकी मैग्नेटिक बियरिंग भी समय के साथ चेंज हो जाएगी। तो पॉइंट नंबर टू में आपको ये लिखना है कि मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक बियरिंग भी समय के साथ चेंज होती है। तो गाइज आपको मेरे लेक्चर्स का कैसे लग रहे हैं, आपको सभी प्रॉब्लम्स आपकी कवर हो रही हैं या नहीं, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। और इसके अंदर जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं आप इसको मुझे कमेंट द्वारा बताएं, मैं अगले नेक्स्ट लेक्चरों में उन सभी प्रॉब्लम्स को आपको ऐड करके दूंगा। थैंक यू गाइज़।